जिला अस्पताल सहित जनपद में 73 केंद्रों पर 9761 लोगों को कोविड का टीकाकरण किया गया, जिसमें फर्स्ट डोज लेने वालों में 7,959 लोग और सेकेंड डोज लेने वालों में 1,802 लोग शामिल रहे। बुधवार को जिला अस्पताल के संक्रमण विभाग एवं महिला अस्पताल में वैक्सीनेशन कराने वालों की काफी भीड़ देखी गई। इसके बावजूद वैक्सीनेशन कराने वालों में काफी उत्साह देखा गया, जिसके संबंध में CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि बुधवार को प्रथम और सेकेंड डोज लेने वालों में कुल 9761 लोगों को कोरोना रोधी टीका लगाया गया है। CMO ने जनता से अपील किया कि लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वैक्सीनेशन कराएं तथा केंद्रों पर ज्यादा भीड़ ना लगाएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, कितने दिनों का टीकाकरण किया गया और क्या लक्ष्य? आज हमारे ज़िले में 37 केंद्रों पर वैक्सीनेशन हो रहा है, जिसमें से 2 महिला स्पेशल बूथ हैं, 2 अभिभावक स्पेशल बूथ हैं और हमारे मेडिकल कॉलेज, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, जिला अस्पताल, महिला अस्पताल, संक्रामक रोग के साथ साथ हमारे अर्बन PSC और CSC पर वैक्सीनेशन चल रहा है। आज का लक्ष्य हमारा 10,000 से ज़्यादा का है और वैक्सीनेशन अच्छी तरह से हो रहा है, हम लक्ष्य से ज़्यादा वैक्सीनेशन करेंगे। सर, जनता से क्या अपील है? जनता से अपील है हमारी कि कोरोना अभी नहीं गया है, लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते रहना है, मास्क लगाते रहना है, भीड़ भाड़ में जाने से बचना है और जब भी आपकी बारी आए आप कोविड वैक्सीनेशन जरूर कराएँ।